और किसानों का आंदोलन दिल्ली में जारी है, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में भी तमाम विपक्षी दल जो है किसानों के साथ उतर आए हैं। आज यहां पर पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने किसान यात्रा निकाली है। शाहजहांपुर के सिंधौली में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर गाड़ी में भरकर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी किसानों के हित किसान विरोधी बिल जो है इसको वापस दिया जाए। जो किसान विरोधी बिल बनाया है ये किसानों के खिलाफ है, किसानों पे अत्याचार है, किसानों के अधिकारों का हनन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशानुसार 7 तारीख से पूरे प्रदेश में किसान यात्रा चलाई जा रही है। गाँव हम लोग जा रहे हैं और इसका जो किसान विरोधी बिल है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा किसान आज सड़कों पे है, किसान के पुत्र, किसान की संतानें सड़कों पे हैं और किसानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे बर्फ का पानी चलाया जा रहा है, किसान हमारा हटने बलपूर्वक हमें रोका जा रहा है, बलपूर्वक हमको रोका जा रहा है। आज हमें यहाँ यात्रा निकालने नहीं दे रहे हैं। जो हम लोग गाँव गाँव जाने का प्रोग्राम निकालना चाहते थे, गाँव गाँव जाने का जो प्रोग्राम हम लोगों का है, हम आज लगभग हम 12-13 गांव हम लोग घूमने का प्रोग्राम है। हमारी हर जगह यात्राओं की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमको आगे निकलने नहीं दे रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम यात्रा अवश्य निकालेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का निर्देश है और हमारे जो जिला अध्यक्ष माननीय तनवीर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम किसानों पर अत्याचार नहीं होने देंगे, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है। यहाँ आप एक लगातार किसानों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं जो सत्ता पक्ष में भाजपा बैठी है वो आप पर आरोप लगा रही है कि विपक्षी दल जो है राजनीति कर रहे हैं किसानों को लेकर। आपसे बात करेंगे, आप बताइए इसके बारे में। हम लोग बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, हम अन्नदाता के साथ हैं क्योंकि हम लोग खुद एक किसान परिवार के सदस्य हैं और इस कानून वापिस करने के लिए हम लोग तन मन धन जान तक लगा देंगे। अगर सरकार अड़ियल रवैया रखा तो हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों जिनको यहाँ पर पुलिस फोर्स ने रोक लिया, यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है किसानों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर आप किसान जो यात्रा है वो निकाल रहे थे, आपको यहाँ पर पुलिस ने रोका है, अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए ऐसा है, पूरी दुनिया और पूरे देश किसान आंदोलन को देख रहा है जो शांतिपूर्ण चल रहा है। उस शांतिपूर्ण आंदोलन के अंदर जो किसानों की मांग है, उस किसानों की मांग यह है कि जो MSP के थ्रू को आपने लगाया है और जो नए कानून बनाए हैं, उस कानून को देखते हुए हम पूरी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर इस जो बिल बनाया है, भाजपा की मौजूदा सरकार ने जो तानाशाही सरकार है जो न किसानों की सुन रही है न मजदूरों की सुन रही है, आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर मजदूरों के पैर फट गए, 1200-1500 किलोमीटर मजदूर पैदल चल के आया है, महिलाओं ने बच्चों को सड़कों पर जन्म दे दिया है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किसान हिंदुस्तान का 70% आबादी को पालन पोषण कर रहा है, 80% पालन पोषण कर रहा है और बल्कि अगर ये कहा जाए कि 100% कर रहा है, उस किसान का जिसका ये मान कह रहे हैं कि हम किसान के हक में, जिसके हक में आप कानून बना रहे हो, अगर वो कह रहा है कि इस कानून को हमारे लिए हक में नहीं है तो आप वापस क्यों नहीं लेते हो? 12-15 दिन से किसान इस ठंड के अंदर, और बदतमीजी इस बात की है हद दर्जे की कि ठंडा बर्फ का पानी उससे वाटर फीडिंग की जा रही है और जब उससे भी किसान नहीं हट रहा है तो वहां पर पानी के अंदर मट्टी मिला के उन किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है उस आह्वान को जहन में रखते हुए जो आंदोलन चल रहा है यह ऐसे ही चलता रहेगा। या तो केंद्र सरकार ये वापस ले बिल और किसानों हक में जो फैसला है, हम सब किसान हैं उसका हम विरोध करते हैं,
उसको जो अध्यादेश दिया उसको वापस ले और किसानों के हक में जो उचित है उसको पूरा करे, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह रखा है, उसको हमें आंदोलन करना है। अब आपको यहाँ पर रोका गया है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, क्या बात हुई उनसे? अभी हमारी कोई बात ऐसा है, एक मिनट सुन लीजिए, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, हम शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की आवाज को उठा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। उस किसान की आवाज को ये सरकार दबाना चाहती है, हम इस सरकार की आवाज को दबाएंगे, हम नहीं दबेंगे, हम किसान की आवाज को दबाएंगे, किसान की आवाज को उठाएंगे और मौजूदा सरकार की आवाज को हम दबाएंगे, किसान की आवाज को हम दबने नहीं देंगे, उनके साथ हम गले गले खड़े हैं समाजवादी पार्टी। सपा कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई आर पार की होगी, हम यहाँ पर दबने वाले नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है तैयारी हो रही है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता जो है आज सुबह से ही प्रदेश का योगी आदित्यनाथ इकट्ठा हुए थे, उसके बाद यहाँ पर अब लगातार वार्ता चल रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर बस मंगाई गई, उसमें बैठाया जाएगा, यहाँ पर तैयारी है पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ बस में बैठाने की पूरी तैयारी की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। सायापुर से दलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।